हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार टेस्टी सा नाश्ता। चाहे आप इसे सुबह के नाश्ते में लें, लंच में लें या फिर डिनर में, बहुत ही क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा। ना दाल चावल भिगोने का झंझट है और ना ही पीसने का झंझट। बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। आज हम इसे सूजी से तैयार करेंगे। सूजी और गेहूं के आटे से हमने इस डोसे को तैयार किया है और इतना क्रिस्पी है, बिल्कुल दाल चावल वाले डोसे की तरह और टेस्टी भी। साथ ही इसके साथ है इंस्टेंट चटनी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट देगी आपको। और ये एक हेल्दी नाश्ता है, गेहूं के आटे और सूजी से बनाया हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए तैयार करते हैं इस डोसे को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी या बारीक, जो भी सूजी हो, क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर तैयार करना है। तो हम इसे ब्लेंडर जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, इसे अच्छे से पीस लेंगे। आपके पास मोटी सूजी है तो उसे पीसना बहुत जरूरी है, और बारीक है तो उसे भी एक बार चला लें मिक्सी में। तो ये पाउडर मैंने यहाँ पर इसका तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक हो गई है ये। तो अब हम इसे एक बड़े बाउल में डाल लेंगे, मिक्सिंग बाउल में, जिसमें हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इस सूजी को मैंने यहाँ एक बड़े बाउल में डाल लिया है, और उसके बाद हम इसमें मिक्स कर रहे हैं गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा इसमें मिक्स किया है। 1 कप सूजी में 2 चम्मच गेहूं का आटा और 1/4 टीस्पून नमक, और तीनों चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। तो अगर खट्टा दही है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और फ्रेश दही भी आप ले सकते हैं, और इससे दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है और इसी से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। तो बहुत ही जल्दी हमारे डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी है, और ना ही इसे पीसने का झंझट है। दाल को भिगोने पड़ता है, इसको कोई भिगोने वाली झंझट भी नहीं है। तो अब देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी इसमें और मिक्स किया है। तो अब जब हम अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं इस बैटर को। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। और इतने हम इसे ढककर रखते हैं तो हम चटनी तैयार कर लेते हैं इस डोसे के साथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार फिर से लिया है, और उसमें मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट, कद्दूकस किया हुआ गोला। तो आप इसमें मैंने सूखा नारियल जो होता है उसको लिया है, और ये लिए हैं भुने हुए चने 1/4 कप, 1/2 कप नारियल और 1/4 कप चने, और 2 हरी मिर्च लिए हैं। आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली चटनी ये तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, करीब 2 से 3 चम्मच पानी इसमें मिक्स किया है, और अब हम इस चटनी को तैयार कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। तो चटनी को पीसते हुए मैंने करीब 1/4 कप पानी इसमें मिक्स किया था, क्योंकि बहुत ड्राई हो गई थी, क्योंकि हमने जो यूज़ किया था वो सूखा वाला नारियल था। तो चटनी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चटनी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं चटनी के लिए। तो मैंने तड़का पैन में 1 ऑयल डाला है 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून इसमें राई ली है, और साथ में 1 लाल मिर्ची हम इसके में डालकर भून लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 5 से 6 करी पत्ते। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ये सभी चीज़ों को। और जब ये भून जाएगा, देखिए यहाँ पर भून गया है, तो अब हम अपनी चटनी में ये तड़का डाल देते हैं, इससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो हमारी चटनी तैयार हो गई है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपने डोसे का बैटर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बैटर अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी इसमें और मिक्स किया है इस समय पर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। इसे बहुत पतला नहीं रखना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ही हमें इसकी रखनी होगी।
तो आप देखिए मैं यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि इस तरह से हमें इस बैटर को तैयार करना है। और बहुत ही झटपट हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, बहुत टाइम नहीं लगा है और बहुत ही हेल्दी डोसा बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल शॉप से आप ले सकते हैं। इसको मैंने मिक्स किया है, आप इसमें खाने का सोडा भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। मैंने आधा चम्मच इनो लिया है, और आप अगर इनो नहीं यूज करना चाहते तो इसमें बेकिंग सोडा, अक्सर जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, हर किचन में ये अवेलेबल होता है, तो उसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने तवे को गर्म किया है मीडियम हीट पर, और हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे एक बारी अच्छी तरह से। तो जब ये ऑयल से हम पूरे तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे टिश्यू से पोंछ लेंगे एक बारी। और अब हमारा तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, मीडियम हीट पर गर्म है, तो हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसे नॉर्मल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तवे पर हमें डोसा नहीं बनाना है और ये प्रोसेसर करना बहुत जरूरी। इस तरह से हमारे डोसे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब हम अपना डोसा बैटर इस पर फैला लेंगे, तो हम बाहर की तरफ इसे गोलाई में घुमाते हुए डोसे के बैटर को फैला रहे हैं, और देख सकते हैं कितना पतला डोसे का बैटर हमारा फैल रहा है। देखिए बहुत ही पतला डोसा बन के तैयार होगा। इस तरह से आप पूरे तवे पर आराम से फैला लें, बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और गैस का फ्लेम हमने इस समय पर मीडियम कर दिया है, तो हम इसे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रहे हैं और इसमें कुछ ट्विस्ट दे रहे हैं, कुछ अच्छा सा टेस्ट हम इसमें दे रहे हैं। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर लगाएंगे रेड चिली सॉस। आप शेजवान सॉस लगा सकते हैं, पिज्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, उसके ऊपर चीज़ लगा सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड चिली सॉस को अब इसके ऊपर फैला दूंगी, लेकिन फैलाना हमें तभी होगा जब ये बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो जाएगा। पिज्जा सॉस, ये रेड चिली सॉस डालने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ प्याज डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, और उसे भी पूरे डोसे पर हम फैला लेंगे। और गैस का फ्लेम इस समय पर मीडियम है, और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, और हम मीडियम हीट पर अपने डोसे को अब सिकने देंगे। जब ये डोसा सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे, ये कॉर्नर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। और इस समय पर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा ऑयल छिड़का है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी साइड्स डोसे की गोल्डन होने लगी हैं, और बीच से भी हमारा डोसा बिल्कुल परफेक्ट सिक जाएगा। तो बहुत ही जल्दी देखिए, इससे देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा डोसा और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल मसालेदार। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, या कोई भी सॉस डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी डोसा है ये, और इसी तरह से हम अपने सब डोसे तैयार कर लेंगे। जब हम दूसरा डोसा तैयार करेंगे तो उससे पहले भी हम पानी एक बार छिड़क लेंगे अच्छी तरह से, और उसे टिश्यू से साफ कर लेंगे। फिर हम दोबारा से अपने डोसे बैटर को इसी तरह से फैलाएंगे, बिल्कुल कलछी को बाहर की तरफ गोल गोल घुमाते हुए। आराम से बिल्कुल करें तो बिल्कुल भी डोसा हमारा खराब नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से पतला डोसा फैल जाएगा, और टेस्टी भी बनेगा, क्रिस्पी भी बनेगा, और बिल्कुल सुबह के नाश्ते में 15 मिनट में आप ये डोसा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 डोसे तैयार कर लिए हैं इंस्टेंट चटनी के साथ, जरूरी है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको क्रश करके दिखा दूंगी कि देखिए कितना क्रिस्पी डोसा है, इसमें दाल चावल भिगोने का कोई झंझट नहीं है। वाओ कितना क्रिस्पी है ये, आप देख सकते हैं, देखिए कितना, जब मैं इसे क्रश कर रही हूँ तो देखने में ही पता चल रहा है कि कितना क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा डोसा तैयार हुआ है। तो आप इस डोसे को झटपट तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए, कभी भी सुबह शाम की भूख में कभी भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। चटनी भी बहुत ही इजी है इसकी बनानी, और जब आप बनाएंगे ना इसको तो कोई नहीं कहेगा कि ये आपने सूजी से बनाया है। गेहूं के आटे और सूजी से बना हुआ ये हेल्दी डोसा एक बार आप घर पर जरूर ट्राई करें, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।